17 साल की नाबालिग का 44 लोगों ने किया यौन उत्पीड़न और पुलिस ने किया 20 लोगों को गिरफ्तार। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। केरल से एक शर्मसार कर देने वाली खबर सुनने को मिली है। बता दें, जिसे सुनकर पुलिस अधिकारियों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक 17 साल की नाबालिग ने अपने स्टेटमेंट के दौरान ये बताया कि मुझे 4 सालों यानी 2016 में पहली बार उसके साथ रेप किया गया और लगातार 4 सालों तक रेप करते रहे आरोपी। और बता दें, जब उसे पहली बार रेप किया गया तो उसकी उम्र 13 साल थी, अब उसकी उम्र है 17 साल। और पूछताछ के प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में 32 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। और पुलिस के अनुसार केरल के मल्लेपुरम जिले के पंडिककड़ इलाके में एक 17 साल की नाबालिग से 44 लोगों ने यौन उत्पीड़न किया है। न्यायालय ने 20 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रखी है। लेकिन बड़े ही अजीबोगरीब बात है, शिक्षा लेवल की बात करें, NCERB की एक रिपोर्ट के अनुसार 100% शिक्षित आबादी वाला राज्य केरल प्रति लाख आबादी पर महिलाओं के रेप केस के दर में दूसरे स्थान पर है। वहीं अगर प्रति लाख आबादी पर 11.1% महिलाओं का रेप हुआ है और वहीं 15.9 के दर से राजस्थान इस लिस्ट में टॉप पर है। तो आप सोच सकते हैं, एजुकेशन लेवल पे भी केरला का नाम आगे होने के बावजूद भी इतनी रेप की घटना, वो भी इतनी अजीबोगरीब की दिल को झुंझोर जाती है ये घटना जब हमें सुनने मिलती है कि 17 साल यानी आप सोच भी नहीं सकते इस 17 साल की उम्र में किस तरीके से वो अत्याचार सही होगी बच्ची। और जब 13 साल उम्र थी, सोच के भी अजीब लगता है कि 13 साल की उम्र में कौन इतना हैवान होगा जो इस लड़की के साथ रेप करता रहा। और पुलिस ने मामले की जांच करना शुरू कर दी है। अब जो है इसमें 44 लोगों पर कानूनी कार्रवाई की प्रतिक्रिया शुरू है और देखना है कि क्या ठोस निर्णय लिया जाता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए और आए दिन जो रेप की घटना है उसको कब रोका जाता है। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।